हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्वर्सेटिवो प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कई बार स्टूडेंट जो है अवॉइड कर देते हैं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, वो है बैलेंसिंग द अकाउंट्स। आज हम बैलेंसिंग द अकाउंट्स के बारे में कवरअप करेंगे। रेफरेंस है आपकी क्लास 11 NCERT अकाउंट्स की बुक, ठीक है। सो ये जनरली जो टॉपिक है, स्टूडेंट इसको इररिलेवेंट समझते हैं या कई जगहों पर इसे इग्नोर कर दिया जाता है, जंप कर दिया जाता है, बट इसके अपने कुछ इम्पॉर्टेंस है। आज इस सेशन में हम लर्न करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स के बारे में और उसके डिटेल जो है एग्जांपल को रेफर करेंगे, ठीक है। सो अकाउंट्स के हमने जो जनरल में एंट्री करी है, हमारी जो प्राइवेट पोस्टिंग हुई, उसे हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं या बुक्स में बनाते हैं। फिर जो लेजर है ना, वो पीरियोडिकली बैलेंस्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंटिंग पीरियड ही यूज होता है। कई जगहों पर कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर यूज होता है, सब जगह पर डिफरेंट जो है इस पीरियड को यूज़ किया जाता है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में जब जब हम क्लोजिंग करते हैं, तो हमने सारी ट्रांजेक्शन्स की क्लोजिंग करनी होती है, बैलेंस देखना पड़ता है भाई कि डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो डिफरेंस आता है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उस डिफरेंस को हम बैलेंस कैरी डाउन करके लेके आते हैं और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब हम जाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसे लेकर के आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपसे ले लैंग्वेज में बात करी है। क्या सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे, सारे लेजर ऐसे क्लोज होंगे? नहीं, सारे लेजर ऐसे क्लोज नहीं होते। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो नेचर है, लाइक एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के आपके एक्सपेंसेस हैं, कोई लॉसेस हैं आपने उसका लेजर बनाया है, या गेन्स हैं, आपकी रेवेन्यू है, उसे हम क्लोज नहीं करते, उसे हम सीधे ट्रांसफर करते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि हमारे जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स या रेवेन्यू है, उसे हम क्लोज न करके उसे हम ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारी बातें हमने ले टर्म में करी, अब एक वर्डिक्ट रीड करते हैं, फिर देखेंगे एक एग्जांपल। अकाउंट्स इन द लेजर आर पीरियोडिकली बैलेंस्ड, जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एसर्टेनिंग द नेट पोजिशन ऑफ ईच अमाउंट। Balancing of an account means the two sides are total and the difference between them is shown on the side which is shorter in order to make their total equal. So difference will be shown accordingly. The word balance carried down are written against the amount of difference between the two sides. The amount balance is brought down, BD yani brought down, in the next accounting period, indicating that a continuing account till finally settled or closed. In case the debit side exceed the credit side, the difference is returned on the credit side. Okay? If the credit side exceed the debit side, the difference between the two appears on the debit side and is called debit and credit balance respectively. So, okay, jo bhi hum terms ko padh rahe hain, kai baar hum jo example ko bhi dekhte hain, उन्हें इन्होंने सिर्फ टर्म्स में बोल दिया है, और टर्म्स में आपके क्वेश्चन में आ जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, और आप रटते रह जाते हो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसने पहले क्या बोला, कि अगर आपका डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट से, ठीक है, रटना नहीं है, तो डिफरेंस कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, ताकि ये जो टर्मोलॉजीज हो या ऐसे किसी भी तरीके की टर्मोलॉजीज या स्टेटमेंट का यूज़ हो आपके सामने, तो आप उसे एकदम आराम से जो है टैकल कर सकें, और आप ये भी समझ सकें कि कई बार अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आ जा रहे हैं, तो आप एक ब्रीफली क्विकली एग्जाम्पल ड्रॉ करें और अपने आप को तुरंत क्लैरिफाई करें कि वो टर्म या वो स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, ठीक है। सो हमने देखा सारे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो टोटल होंगे, जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर होगा। सो अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स एंड रेवेन्यूज आर नॉट बैलेंस्ड बट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अ पीएनएल अकाउंट। द बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इज इलस्ट्रेटेड। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिस जर्नल एंट्री इन्होंने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर नॉट डिगिंग इन टू द जर्नल एंट्री डिटेल, ठीक है। जनरल एंट्रीज से हमारे लेजर में और हमारे परचेज बुक में सारी एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है। ये हमारी जनरल बुक में एंट्री हो रही है, जनरल प्रॉपर में सारी एंट्री हो रही है, ठीक है। और हमारा अब जो है
लेजर क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जब कैपिटल अकाउंट है हम आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस क्या होता है हम देख लेते हैं। हमारा क्रेडिट साइड में ये सारी डिटेल गिवन है, और बैलेंस कहाँ कैरी डाउन हुआ है, डेबिट साइड में, है ना। सो ये तो मेरा एक एग्जांपल था जो हमने कैपिटल अकाउंट को देखा। ऐसे हम दो तीन लेजर्स और देख लेते हैं। ये हमारा 6% लोन अकाउंट है, जो हमारा क्रेडिट साइड में आपका डेटा गिवन है, और जो बैलेंस कैरी डाउन है आपका 25,000 ये इधर है। लेकिन जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 2018 ईयर से वेरी नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ले आना है, क्योंकि अकाउंट हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेजर देखते हैं। यहाँ पे हमारी दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, सेल्स रिटर्न और कैश की, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रिकॉर्डेड है सेल्स की, तो यहाँ पे दोनों इक्वलाइज हो गए, तो बैलेंस कुछ कैरी आपका नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा सेल्स का है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्नीचर का अकाउंट है, तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है फर्नीचर के केस में, ठीक है। स्टेशनरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस में क्या डिस्कस किया था कि एक्सपेंस जो है हमारा कैरी डाउन नहीं होता है, ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल में एक्सपेंसेस जो है हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। सो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में भी यही सेम चीज हुई है। सो मेरा यहाँ पे मेन इंटेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि बैलेंसिंग द अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड टोटल होगा आपका, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, जिस भी तरफ हमारा डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम मेंशन करेंगे एज कैरिड डाउन, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम ब्रॉट डाउन करके लेके आएंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखनी है कि हमारा जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, हमारे जो गेन्स और रेवेन्यूज हैं, ये कभी बैलेंस नहीं होते हैं। इसे हमें क्लोज करना होता है, और क्लोज करके हम इसे ट्रांसफर करते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स में। उसके बाद इन जो लेजर्स हैं या आपके जो टेलीग्राम हैं, सॉरी लेजर्स हैं, आपके जो जर्नल की पोस्टिंग है, इनसे डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ब्रीफली रीड किया कि भाई अगर हमारा जो डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। इसको हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो ऐसे तरीके के बहुत सारे एंड स्टेटमेंट बन सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहला टेक्निक प्रैक्टिस से, दूसरा टेक्निक आप कभी भी अगर ऐसे किसी स्टेटमेंट में फंस रहे हो जो आपके नंबर्स या न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, आप ब्रीफ एक एग्जांपल ड्रॉ करें, उसे अंडरस्टैंड करें और क्विकली आंसर प्रेजेंट करें। स्टिल अगर कोई डाउट या डायलेमा हो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अकाउंट्स की कम्प्लीट जर्नी चल रही है, जहाँ पे हम बेसिक टू एक्सपर्टीज लेवल की कंप्लीट नॉलेज को कवर अप करेंगे, नो मैटर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।